नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित और आज बात करने जा रहा हूं कवि मंगलेश डबराल द्वारा लिखी गई कविता जिसका शीर्षक है संगतकार। इस कविता में कवि कहते हैं कि किसी भी गीत को बनाते समय मुख्य गायक के साथ साथ अनेक लोग जैसे संगीतकार, गीतकार और अनेक वाद्य यंत्र वादक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संगतकार भी उन्हीं में से एक है जो मुख्य गायक के सुर में अपना सुर मिलाकर गाने को प्रभावशाली बनाने में मदद करता है। और जब भी कभी मुख्य गायक अपनी सुर साधना में खोकर कहीं भटक जाता है और गीत के मुख्य सुरों को भूल जाता है, तो उस समय यही संगतकार दोबारा मुख्य सुरों को पकड़ने में उसकी मदद करता है। यानी गाना गाते समय मुख्य गायक के साथ साथ संगतकार की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है, लेकिन अक्सर ये लोग गुमनाम ही रह जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, सुर से इस कविता को समझने का प्रयास करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जब मुख्य गायक किसी संगीत सभा में अपना गायन प्रस्तुत कर रहा होता है, तो उसकी भारी आवाज के साथ ही हमें संगतकार की एक सुंदर, मधुर और हल्की हल्की आवाज सुनाई देती है। दरअसल कवि यहाँ पर अंदाजा लगा रहे हैं कि यह संगतकार मुख्य गायक का छोटा भाई भी हो सकता है, या मुख्य गायक का शिष्य भी हो सकता है, या फिर संगीत सीखने के लिए पैदल चलकर मुख्य गायक के पास आने वाला कोई उनका दूर का रिश्तेदार भी हो सकता है। और सबसे खास बात यह है कि जब से गायक ने गाना शुरू किया है, तब से संगतकार उसका साथ देने आया है। यानी शुरू से ही वह संगतकार मुख्य गायक की आवाज में अपनी आवाज मिलाकर उसके संगीत को और प्रभावशाली बनाता आया है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि कभी कभी मुख्य गायक किसी गाने के अंतर गाने में इतना मगन हो जाता है कि वह अपने सुरों से ही भटक जाता है। ऐसी स्थिति में संगतकार जो हमेशा मुख्य सुरों को पकड़े रहता है, वही उस समय सरगम मतलब सात सुरों के समूह को दोबारा पकड़ने मुख्य गायक की मदद करके उसे उस गंभीर स्थिति से बाहर लाता है। कभी आगे कहते हैं कि उस समय ऐसा लगता है मानो जैसे कि वह संगतकार मुख्य गायक का पीछे छुटा हुआ सामान समेटते हुए उसके साथ आगे बढ़ रहा है। उस समय उस मुख्य गायक को अपना बचपन याद आ जाता है जब वह नौसिखिया था। प्रस्तुत पंक्ति में कभी कहते हैं कि जब मुख्य गायक ऊंचे स्वर में गाता है तो वह थक जाता है और उसका गला भी बैठने लगता है और उसके अंदर गाने की इच्छा और ऊर्जा समाप्त हो जाती है। और जब उसका स्वर नीचे आने लगता है, तब उस समय मुख्य गायक का हौसला बढ़ाने का और उसके स्वर को फिर से ऊपर उठाने के लिए संगतकार का स्वर पीछे से सुनाई देता है और यह सुनकर मुख्य गायक में फिर से ऊर्जा आ जाती है और वह अपनी धुन में गाता चला जाता है। और कभी कभी तो वह संगतकार सिर्फ इसलिए गाता है कि मानो वह मुख्य गायक को यह एहसास दिला रहा है कि वह अकेला नहीं है। अगर आपसे कोई राग बीच में छूट जाता है, तो कभी कभी एक राग को दोबारा गाया जा सकता है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जब भी संगतकार मुख्य गायक के स्वर में स्वर मिलाता है, यानी उसके साथ गाता है, तो उसकी आवाज में एक हिचक साफ सुनाई देती है। उसकी हमेशा यही कोशिश रहती है कि उसकी आवाज मुख्य गायक की आवाज से धीमी रहे, लेकिन इसे संगतकार की कमजोरी या असफलता नहीं माननी चाहिए, क्योंकि वह मुख्य गायक के प्रति अपना सम्मान प्रकट करने के लिए ऐसा करता है। यानी अपना स्वर ऊंचा करके मुख्य गायक के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता है, यह उसका मानवीय गुण और मनुष्यता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करके आप हमारा आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।